हमारी आज की विनर है आयशा उमर। आयशा आइए और ये लीजिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको ये हैम्पर पाके या जीत के? नहीं नहीं, ये आपके लिए जाएगा और बाकी लोग भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके साथ भी इजाजतनामा जाएंगे आप लोगों के घर तक। वो विनर कैसे भी हैम्पर तो ये तो फैमिली है मेरी। देखिए इनके साथ हैम्पर जा रहे हैं, आपसे इजाजतनामा खुद जा रहे हैं और क्या चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों के साथ भी गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। अब मैं जाऊंगा आयशा, मिनट टू फेम जो हमने एक वॉल बनाई है इस पे आप जाएंगी और अच्छा। जाके अपने फैंस के लिए एक मैसेज देंगी और उसके बाद हाँ नहीं नहीं ये आप अच्छा। यहाँ रख सकते हैं, मैं कहीं नहीं लगे, ये सब सामान जाली में कैद। मैंने कहा मेबी यू वांट अ पिक्चर विद द हैम्पर। नहीं नहीं नहीं, दिस इज फॉर एवरीबडी वॉचिंग, पूरी दुनिया में जो लोग ये जबान समझ सकते हैं, जिनको समझ आ रही है, एंड ऑल माई फैंस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आप लोग इतना अनकंडीशनल लव देते हैं एंड थैंक यू फॉर द हेट ऑल्सो। लेकिन कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्यार स्प्रेड कर सके करें, क्योंकि इट ऑल कम्स बैक टू यू। एंड ईव मुबारक टू एवरीबडी वॉचिंग। इस ईद पे स्पेशली जितना ज़्यादा अपनी सराउंडिंग्स और इर्द गिर्द के लोगों के बारे में माइंडफुल हो सकें कि आप गंद तो नहीं फैला रहे, आपकी कुर्बानी हो रही है तो आपके नेबर और आपकी स्ट्रीट पे कोई गंद तो नहीं फैल रहा जो आप क्लीन अप नहीं कर रहे। सफाई का बहुत ख्याल रखा करें, अपने दिमाग की भी, अपनी सराउंडिंग्स की भी और अपने दिल की भी। ईद मुबारक। बहुत अच्छा आयशा, अच्छा बोली, मेरी आंखें नम हो गई। हाँ आपसे सीखा है। नहीं नहीं प्लीज, मैं कह ये राइटर्स बैठे हैं इतने बड़े बड़े। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं कहूंगा अमर खान से कि प्लीज हो जाइए। मेरी तरफ से आप सब हम के व्यूवर्स को दिली ईद मुबारक। और एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि महंगाई जितनी उरूज पे है, आप सब जो हर रोज ही नित नए खाने खाते हैं, इस ईद में उन हकदार लोगों तक अपनी कुर्बानी का गोश्त जरूर पहुंचाएं जो शायद कुर्बानी में हिस्सा भी नहीं डाल सके। और दूसरी बात, अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के खुश रहें। हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि हम दूसरों की खुशी से बहुत मुरझा जाते हैं और क्योंकि खुद खुश नहीं होते किसी और को भी खुश नहीं देख सकते। तो ईद का मौका है, आज से ही काम और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। Happy to all of you. Thank you, Umar. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतना सोचती हो आप। और अब सोनिया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए अपने फैंस के लिए। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि मैंने कहीं अभी रिसेंटली पढ़ा था कि जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, तो उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनकी तारीफ करें, क्योंकि जो लोग गुजर जाते हैं वो ना आपकी तारीफ सुन सकते हैं ना उनको कभी ये पता लगेगा कि आपने उनसे कितनी मोहब्बत की थी। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो या एक्टर्स हो, क्योंकि हम एक्टर्स यूजुअली ट्रेंड भी ये कि एक्टर्स गुजर जाते हैं उसके बाद हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो भी है आपका स्पॉट बॉय, आपका कैमरामैन जो अच्छा काम कर रहा है, उसको उसकी ज़िंदगी में सराहें, मेकअप आर्टिस्ट आपके माँ बाप, आपके बच्चे, और उनको बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपको कितने अच्छे लगते हैं। ईद मुबारक। बहुत अच्छी बात की आपने, और वाकई हमें अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। और अब बारी आती है निदा यासर, प्लीज आइए। और क्योंकि जितने ज्यादा फैंस और किसी के नहीं है निदा, जितने आपके फैंस हैं, हम रियल फैंस हैं, रियल कहानी भाई जी। हाँ मैं कोई भाषण कोई नसीहतें नहीं देने वाली, मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अपनी जिंदगी इंजॉय करें, 4 दिन की जिंदगी है। सो जो आपके करीब कोई टॉक्सिक लोग हैं जिनकी वजह से आपको चिड़चिड़ाहट होती है, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और वो वाली बात है, कुछ लोग आपको चिढ़ाने के लिए इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो उनसे चिढ़ना छोड़ दें। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप ज़्यादा लंबी उम्र सेहतयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये मेरा इस ईद पे मैसेज है कि अपने आप को उन लोगों के घेरे में रखें जो पॉजिटिव हैं और हमेशा आपका भला चाहते हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान। बहुत थैंक यू वेरी मच निदा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा आखिरी मैसेज था। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक।